20th मार्च थ्री को। को। शर्म नहीं आती तुम्हें? फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए छुट्टी चाहिए तुम्हें? मेरा तो लास्ट 20th को ही है 20th को कौन सा बेटा तेरा? मैथ्स का। चल तेरा तो मुझे समझ आया, उसका मैथ का पेपर बचा। तुम्हारा मैम फिजिकल में फेल हो गए थे। 21st को है। 21st को फिजिकल में फेल हो जाएगा बेटा? इतना उछल कूद तो करता है कि पास तो हो ही जाएगा। दैट वाज नॉनसेंस यू जस्ट सेड। क्या पता। हाँ क्या पता, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, मैं पहला फिजिकल में फेल होके दिखाऊंगा। बाकी कब तो फ्री होंगे? 23 को करना है। 43 को करना है। अच्छा फिजिकल लगाना तुझे भी? नो मैम हेल्थ केयर। बहुत ही फर्क था इस बात में। दोनों एच नाम के लोगों ने सर मदद करा मेरे। वो नॉनसेंस बात, सिर्फ उसका समझ आया मुझे। मैथ है उसका, उसको पढ़ने की जरूरत है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नलायको, इतना लेट आओगे ब्रेक तो तुम्हारा चाहिए होगी, है? 1 दिन की ब्रेक तो चाहिए होगी। नलायको जितनी जल्दी आओगे तुम्हें ही फायदा है। मेरा क्या, मैं तो एक ही दिन में सारा करा दूंगी, मेरा जाएगा। हाँ अंशिका, मैम आज हैप्पी बर्थडे। मेरा भी सेंटिन छरीश तेरा बर्थडे, तू पैदा हुआ था? यार सच में बर्थडे तेरा, झूठ बोल रहा है? यो मैम सच में आधार कार्ड दिखा दूंगा। अरे अरे अरे, आज तो प्यारे बच्चे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तो तुझे विश करना पड़ेगा। बेटा भाई हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे, थैंक हैप्पी बर्थडे हरीश, हैप्पी बर्थडे अंशिका, सेलिब्रेट। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। कितने एडिट है। थैंक यू थैंक यू, पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे। क्या सेलिब्रेशंस की? कुछ भी नहीं मैम। मैम घर पे कोई है ही नहीं। इतनी खुशी है, इतने मजे, घर पे कोई नहीं है तो केक पे कुछ नहीं काटा? तेरे नो मैम, मैम शादी है एक तो वहां पे चले गए सारे। को नहीं लेके गए? मैम मैं खुद ही नहीं गई, मूड ही नहीं था। ये तो को पता नहीं, शादी में बहुत सारा मीठा मिलता है। अरे वाह, ये बच्ची कमाल की है। कैसी बात कर रहे, ऐसे मौका कौन छोड़ता है? चल फिर अब अकेले बैठ के करेगी, वापसी में तेरे लिए केक लेके आएंगे। नो मैम, मैम कल मैम आप लेके भेज आएंगे। दो। तू तो चुप ही कर। हाँ बोलो अंशिका। मैम कल या परसों कटेगा अब जाके। अच्छा ठीक है, डिसाइडेड है। और हरीश तुम्हारा, तुम्हें इतना मैम मैं ऑनर क्या नहीं दिया क्या गया? तेरा क्या केक, मैम तेरे केक का क्या हुआ? मैं नहीं काटता केक। अच्छा तुम अब बड़े स्टार्ट हो गए हैं, छोटे यो मैम बच्चे की बात होती है ये है? अब यो मैम तुम क्या गला काटते हो? नो मैम मैम फिर कैसे सेलिब्रेट दोस्तों किया? में समोसे बटवा दिए आज मैंने, वो बहुत है। अच्छा ये अडल्टहुड है, दोस्तों को समोसे खिलाना है? हट, कुछ भी बोलता है। यस मैम अरे लड़कों का अडल्टहुड है दोस्तों को समोसे खिलाना? यो मैम समोसे नहीं कुछ और भी खिला। दोस्तों को समोसे वगैरह खिलाना, दैट इज अडल्टहुड। अरे यार जन जी, मुझे बहुत मजे आते हैं तुमसे बात करके। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। ठीक है बहुत बढ़िया, मजे किए ना तूने? बहुत अच्छा। तूने समोसे खिलवाया या क्या क्या खिलवाया? अच्छा मैम समोसे पकौड़े बस समोसे एंड पकौड़े, और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कुछ नहीं? मैम चाय। चाय? इतने एडल्ट हो कि चाय पीते हो पार्टी में? यो मैम मैम कैंटीन में वही मिलती है तो आजकल वो जूस तो है नहीं। सर्दी है ना? अच्छा तो तूने हमें तो कुछ खिलाया नहीं, ये तेरे दोस्त नहीं बजा रहे? मैम आपने विश नहीं किया था। मैं तो अपने को कह ही नहीं रही, इन बच्चों को कह रही थी मैं। मैम अच्छा गूगल पे कर अच्छा दो, मेरे को मैं खिला दूंगा। अच्छा ओ लो लो लो, मैं खुद खा लूंगी। तेरे को गूगल पे करने की जरूरत नहीं है मुझे। शाना मत बन ज्यादा लाइक कहीं का। चलो यार हैप्पी बर्थडे, जान के बहुत खुशी हुई कि अंशिका, आई होप तुम्हारा अच्छा सा केक आ जाए। तुम तो हो अच्छी स्टूडेंट, ये बहुत अडल्ट है तो ये केक नहीं काटते। जान के बहुत खुशी हुई हरीश, तुम पैदा हुए हो, मुझे लगा तुम टपके हो। चलो थैंक यू मैम।
स्क्रीन दिख रही है सबको बेटा मैम। यस मैम। जी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, कल बायोटेक वाला चैप्टर आपने देखा था, आज बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन देखते हैं। एंड काफी सारे बच्चों से बात करके आई रियलाइज कि आप लोग पहले फर्स्ट टू यूनिट्स कर रहे हो, है ना। यस मैम। ठीक है मैम, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे। ओके ये मैम, तो हम कंप्लीट हो गए बायोटेक की, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम इकोलॉजी पे। इकोलॉजी बहुत लंबा है, इकोलॉजी अच्छा मार्क्स दे सकता है लेकिन इकोलॉजी बहुत लेंथी है, कवर करने में टाइम लगता है। मैं इकोलॉजी कराना चाहूंगी, फिर आपको बढ़िया से मजे आएंगे, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी की आपने सबसे पहले कल इसकी डेफिनेशन लिखी थी, बायोटेक की लिखी थी। यस मैम। अब मान लो क्वेश्चन, वैसे बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टली डेफिनेशन आनी तो नहीं चाहिए, इससे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मान लो लंबा क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिफाइन बायोटेक। कॉपी पेन उठा लो भाई, ठीक है। एक्सप्लेन यूज फॉर मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड ही आएगा तुम्हें लेकिन मैं ह्यूमन काइंड में हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया तुमको, लेट्स से बेटा यू गेट दिस क्वेश्चन फॉर फॉर एग्जाम्पल 2.5 मार्क्स, वो नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैसा वाला है जिसको हमने 2.5 मार्क्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो अगर इसको 2.5 मार्क्स में डिवाइड करा तो बता बेटा कैसे लिखेगी सबसे पहले, बायोटेक की डेफिनेशन पहले मेरे को बता इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे उसने, इस एक क्वेश्चन में मैम दो दो क्वेश्चन पूछे, पैराग्राफ कितने बनाऊंगी, दो टू टू एग्जैक्टली टू, तो एक पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ। जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा सवाल पूछे होता है ना तो आप उतने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा करो। मान लो मैं बोली, जैसे इसने हर्ष ने बोला कि मैम सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो बायोटेक की मैं लिखूंगी डेफिनेशन, तो ये तो पैराग्राफ बना नहीं, ये तो दो लाइन में खत्म होगी। तो कोई बात नहीं ना, तूने दो लाइन में खत्म करी, अब तुम एक लाइन लीव करोगे, तो जब भी मैं ये सिंबल बनाऊंगी इसका मतलब होता है लीव, एक लाइन लीव कर और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख, ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि ये पहला पार्ट आंसर कर दिया इसने, ये दूसरा पार्ट आंसर कर रहा है, समझे। यू विल लीव दैट लाइन फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल नीचे आ रही हूँ मैं, इंडेक्स पे इंडेक्स आ रही हूँ, ये बैक क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 क्वेश्चन, तो मैं कितने पैरे बनाऊंगी, 3 3 3। पहला पैराग्राफ लिखा, चाहे उसमें एक लाइन है दो लाइन है, मैं एक लाइन बीच में छोड़ूंगी, दूसरा पैराग्राफ फिर मैं एक लाइन बीच में छोड़ूंगी, मैं तीसरा, तो पहले तो क्वेश्चन अपने आप ही लंबा दिखने लग जाता है, प्लस टीचर को बहुत क्लियरली दिखता है आंसर लिखा कहाँ पर है, तो ईजी हो जाता है मार्किंग करना। तो जितने क्वेश्चन है उतने पैराग्राफ, ठीक है जी, डन मैम। यस आते हैं, अब आगे आते हैं, वापिस उसी पार्ट पे आते हैं जो हम कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी। अब पहले बायोटेक की मैंने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, डन है। एक्सप्लेन इट यूज फॉर मैनकाइंड, ये उसको यूज पूछ रहा है, ये यूज पूछने का मतलब क्या हो गया, ये आपसे पूछ रहा है इसके यूजेस क्या है, ठीक है। अगर मैं यूज की बात करूँ तो मैं उसी को एडवांटेज में भी कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि वही तो उसके एडवांटेज है ना जो उसका यूज है, और इसी के लिए वर्ड एप्लीकेशन भी आ सकता है। तो जब मैं आंसर लिखूंगी ना सेकेंड पैराग्राफ जब इसका बनाऊंगी, तो मैं लिखूंगी एक्सप्लेन द यूज फॉर ह्यूमन काइंड, नहीं लिखूंगी मैं हेडिंग, मैं हेडिंग क्या लिखूंगी, इनमें से कोई वर्ड, जैसे कि एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस की एक हेडिंग लिखूंगी और उसके बाद इसको कैपिटल में लिखूंगी या फिर डब्बा बना दूंगी और फिर उसके नीचे मैं उसकी एप्लीकेशन को मेंशन करूंगी। अब देखो इस पेज पर जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पार्ट, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम एग्रीकल्चर में कहते हैं, जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसे हम ब्रैकेट में GMO लिख रही हूँ। तो ये हेडिंग्स है जो आपको मेंशन करनी है और उसके आगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखना है, जब आप उसको पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड इट, अभी चैप्टर के एंड तक तुमको ये तीनों समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया आंसर को कैसे एक्सपेंड करा हमने, यो मैम। यस मैम। कल वाले चैप्टर से मिलकर ये आंसर बना। अब देखो ये जो है ना GMO, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे सीधी डेफिनेशन आ सकती है, बड़ी से GMO 1 मार्क का, इसके ऊपर बहुत अच्छे से लंबा सा क्वेश्चन आ सकता है आराम से 5 मार्क का, पर आजकल फुल क्वेश्चन एक पे नहीं आते, तो लेट्स सी ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है, तो ये लिटरली हर तरीके से आ सकता है, तो GMO इग्नोर नहीं करना। अब पहले पिछले वाले चैप्टर में जाओ बायोटेक्नोलॉजी में, ऊपर आपने लिखा था शॉर्ट फॉर्म और उसके आगे उसकी फुल फॉर्म लिखी थी, क्या वर्ड था वो, EFB, EFB स्टैंड्स फॉर
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरा वर्ड लिखवा, जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिखो, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी लिखाते हैं बच्चे। नहीं भाई गलत है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वही लिख दे एनसीईआरटी पे। वहां पे एक और वर्ड ऐड कर लेना पीसीआर, तुझे चाहे आता है प्लीज लिख ले। पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन नहीं है ये, पॉलीमरेज एस के नीचे अंडरलाइन कर ले, चेन रिएक्शन। ठीक, तीन वर्ड कर लिए हमने फुल फॉर्म। अब आएगा व्हाट इज जीएमओ। सिंपल सीधा वन मार्क का क्वेश्चन बनता है, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग, क्या था ना हमने कल वर्ड डिफाइन, तो उसके अंदर ए आ गया आपका जीएमओ। ठीक है बेटा, अगर ये एक मार्क का क्वेश्चन है जीएमओ वाला पार्ट, तो बता क्या लिखेगी? फुल फॉर्म लिखेंगे, डेफिनेशन देन एग्जांपल। फुल फॉर्म और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का सिर्फ नाम लिखना है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं है करना है, क्योंकि एक मार्क है, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करने मत चले जाना क्योंकि वन मार्क है। तो फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन ध्यान से देखना सारे के सारे। मेरे को बताओ, जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लिखी थी तो उसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं? मोनेरा, मोनेरा प्रोटिस्टा, एमिलिया। गुड, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, ये लिखो, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा नीट का भी कवर। फंजाई, प्लांटे, एनिमिले, ये आते हैं। यस, ये देख इसको पढ़ो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो पांच किंगडम में से कौन है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई हम करते नहीं है? मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ये आ गया बैक्टीरिया। कौन सा बच्चा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली मैरीन ऑर्गेनिज्म, अपने यूज के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो याद रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में प्रोटिस्टा मत लिखाना। ओके, दिस इज वन वन मार्क क्वेश्चन। अब आ गया डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड उसके यूजेस। सो देखो, ये रहे उसके यूजेस, यूजेस, और इसी को मैं बोल सकती हूँ एप्लीकेशन। इसी के आगे लिख लो एप्लीकेशन ऑफ जीएमओ। कितनी दे रखी है इसने? फाइव। ठीक है, कम से कम तुमको एक्चुअल में जीएमओ की फाइव याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया लेट्स से थ्री मार्क्स का, तो थ्री मार्क्स में तुम फुल फॉर्म लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद इसकी पूरी एप्लीकेशन लिखोगे और एंड में एग्जांपल लिखोगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन तुमको आनी चाहिए। और एक्सप्लीकेशन इसकी सिंपल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है कि कोई, जैसे मैंगो का ट्री है बाहर, तो मैंने क्या किया, मैंगो के ट्री को ऐसा उसका जीन निकाल के सही जीन डाल दिया, ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से अब मैंगो की जो फसल होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा जूसी मैंगो बनने लग गया है, ऐसे मैंगो में बीमारियां कम लगती है, और अगर सडनली बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी हो जाए तो मेरा ट्री सर्वाइव कर रहा है, कुछ इस तरीके के जीन इंट्रोड्यूस कर दिए। वही पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं कि टॉलरेंट बना दिया मैंने उसको एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की यूज ना करना पाए, इस तरीके का मैंने प्लांट बना दिया। हार्वेस्ट जब मैं उससे मैंगो तोड़ रही हूँ तो उसका लॉस कम हो रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की ज्यादा बढ़ गया, मैंगो ज्यादा डिलीशियस आने लग गया, तो उसकी मतलब उसकी सेल भी ज्यादा होगी। तो ये वो पांच पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस यू हैव टू लर्न, प्लीज राइट इट डाउन, यूजेस एंड एप्लीकेशन के अंदर। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है, वन मार्क का आएगा ये आएगा, तो दिस इज एग्जाम्पल है जीएमओ का। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल जीएमओ के। एग्जाम्पल में तुम ये भी लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो वाइटामिन ए वाले जो चावल होते हैं उन्हें गोल्डन राइस कहते हैं। बेटा व्हाट आर गोल्डन राइस, क्या पर्पज होता है इनका? गोल्डन राइस के अंदर वाइटामिन ए रिच होता है ये। ठीक है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है बॉडी में? आईसाइट के लिए गुड होता है ये, राइट? तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आपको गोल्डन राइस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए, वन मार्क में।
तो लिखोगे विटामिन ए रिच होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होती है, आई साइट के लिए अच्छी होती है। ये साइड में लिख ले, यही की पॉइंट्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एंटर हो गया, डन। यो यो मैम, अब इधर आते हैं, एक बार देख ले कि इन्होंने एक्चुअली में पूछे क्या क्या, जहां पूछा है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है वो? बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन, हाँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पीछे भी तुम देखोगे इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो ये हमें अभी करना है। ये एमसीक्यू है, वैसे इसका आंसर क्या होगा बताना। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, यो मैम करेक्ट। इसको नहीं आता था फिर, उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता अभी, कोई ना। बट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ये भी करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आएगा ये। नीचे आगे चलते हैं, कंपेयर एडवांटेज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखो अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमने करा था ना, ये वो क्वेश्चन है जो तुमको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, तो प्रिपेयर नोट्स करने पड़ेंगे इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन आ गया, तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी जा सकती है। तो अगर मैं जीएमओ की बात कर दूं ना, तो जीएमओ में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, फिर आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन, इसे लिख लो, ये आएगा पेपर में कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन, कहाँ आप उसको यूज करते हो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल, और लास्ट में उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आप नेट पे इतना भी डालोगे ना जीएमओ नीट लेवल इतना भी लिखोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छे से इसके बने बने नोट्स मिल जाएंगे। बस मेक श्योर कर लेना कि ये सारे पॉइंट्स मेंशन है या नहीं, तो ये आंसर को प्रिपेयर कर लेना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जब बनाने बैठोगे तो रियलाइज कि इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंसेस लिखना, डिफरेंशिएट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे विटामिन ए वाला गोल्डन राइस तुमने बना दिया, एडवांटेज क्या है उसकी और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इस आंसर को मैं कैसे करूं, पैराग्राफ बनाऊं या फिर डब्बा बना दूं? मैम डब्बा। देखो दो तरीका है, अगर तो तुम्हें आंसर आता है, ठीक है, दो केस होते हैं, तो यू नो लर्न है तुम्हारा अच्छे से, अगर तो तुझे लर्न है तो तेरे पास कम से कम चार पॉइंट्स होंगे, फिर तो बना डब्बा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन अगर तुमको सही से आंसर नहीं आता ना, तो डब्बा मत बनाना, फिर तुम क्या बनाओगे, पैराग्राफ, एडवांटेजेस की हेडिंग डालोगे और पैराग्राफ में आंसर लिखोगे, फिर डिसएडवांटेजेस की हेडिंग डालोगे और फिर पैराग्राफ में आंसर लिखोगे। समझ आई कैसे करना है? गलती से आता ना हो उसको गलती से डब्बों में मत बना देना, क्योंकि टीचर को क्लियर दिखता है तुमने क्या लिखा है। पैराग्राफ में हो सकता है कोई पॉइंट स्किप हो जाए, लेकिन डब्बों में नहीं पॉइंट स्किप होता, तो मेक श्योर कि पहले इंश्योर कर लो तुमको आता है या नहीं, है ना। कि साथ वाले से पूछ के कर रहा था मैं, उसने एक पॉइंट बताया बाकी में फंस गया, तो ऐसे पंगे मत ले गया ना भाई। ओके यस मैम, ठीक है, ऊपर आते हैं। ये कहां थे, देखो अब वहां जो ऊपर लिख रहे थे ना, तो फुल फॉर्म, वहां पर एक और वर्ड ऐड करो, बीटी, बी कैपिटल टी छोटा, और वो स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस। इसकी स्पेलिंग सही से लिखो, अभी लिखो ऊपर, ये तो मुझे पता है, बोल के मत छोड़ना यार, प्लीज लिख लो, अब बैठे हो एक घंटे तो बैठोगे ना मेरे पास, तो लिख लो। अच्छा, तो बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस। यू विल बी सरप्राइज, इससे पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे आपसे फुल फॉर्म पूछी हुई है, हो सकता है ना वही पीवाईक्यू स्कूल के पेपर में डल जाए, इसीलिए। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आपको दे रहा है केस स्टडी और बीटी कॉटन। देखो केस स्टडी आपको तीन आ सकती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा हो गया, ऑरेंज ऑरेंज नीचे लिखते हैं हम। देखो तीन केस स्टडीज है जो इस चैप्टर में आपको आ सकती है, केस स्टडी का मतलब होता है पूरी डिटेल किसी चीज की। एक है आपके पास बीटी कॉटन का केस, दूसरा है आपके पास आरएनए इंटरफेरेंस मेलाडोगानी इनकॉग्निशा का केस, और तीसरा है आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन। इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन तो आएगा,
दो नंबर पे आया चाहे एक नंबर पे आया, लेकिन तीनों में से एक पे क्वेश्चन तो आएगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इससे मतलब इससे ज्यादा इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते. एक क्वेश्चन तो डालते हैं वो इससे, ठीक है. तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में प्रिपेयर करना पड़ेगा. आप प्रिपेयर इसको बड़े आंसर के लिए करोगे, 3 मार्क्स के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर करोगे, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो उससे अपने आप हो जाएंगे. अब बढ़िया बात यह है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए तुमको कहीं से डेटा लेने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में सफिशियंट डेटा है, बस आपको उसको स्टेप वाइज अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता है. समझ आई? यस मैम. यो मैम. सो यू हैव टू राइट, इस पूरे पैराग्राफ में सब कुछ लिखा है, कहीं पे कोई कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुमको, ठीक है. लेकिन तुमको इसको पढ़ के इसके लाइंस बनानी पड़ेगी. एक बीटी क्वेश्चन का केस एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमको उसको पढ़ना कैसे. तो मुझे बता सकते हैं बीटी क्वेश्चन का केस क्या था? अच्छा, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिंजियनसिस. बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट है. बैक्टीरिया थुरिंजियनसिस, हाथों से लिख रही हूँ तो इसे मैं अंडरलाइन करूंगी सेपरेटली, ठीक है. बैसिलस स्टैंड फॉर जीनस और स्पीशीज. जीनस, जीनस, स्पीशीज, है ना. जीनस का ये कैपिटल और ये स्मॉल. क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि अब तुम सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, राइट. तो ये मैटर करता है कि जेनेटिक नेम गलत मत लिख के आ जाना गलती से. जो कैपिटल है जो स्मॉल है उसका ध्यान रखना है बहुत ध्यान से, और हाथ से लिखने पे उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है. इसके नंबर कटते हैं, ओके. तो ये गलती से भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि आप लोगों को आदत नहीं है. ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते करते आप भूल जाते हो सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाता है. तो मेक श्योर कि आप इसको इग्नोर ना करें, और इसको एक बार लिख लो वहां पे अपनी कॉपी पे, ताकि तुम्हें इसे देख के याद आ जाए जेनेटिक नेम मुझे गलत नहीं लिख के आने. बैसिलस थुरिंजियनसिस बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल होता है, और इसमें प्लांट कौन सा यूज करते हैं? कॉटन. कॉटन. किस इंसेक्ट के बारे में जनरली आप बात करेंगे? बॉलवर्म. हाँ, और भी था, कॉर्न बोरर भी था, इसमें बॉलवर्म की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे. तो तुमको क्लियर है कि इस पिक्चर के किरदार कौन से हैं, है ना. सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. सबसे पहले सिचुएशन क्या थी कि पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर एक इनविजिबल बैक्टीरिया बैठा है जो दिख नहीं रहा था ऑब्वियसली, ठीक है. तो इस इनविजिबल बैक्टीरिया को बॉलवर्म खा लेता है और बॉलवर्म मर जाता है, तब हम इस इनविजिबल बैक्टीरिया को निकाल के इसके अंदर को स्टडी करते हैं. तो जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास जीन है, जीन का नाम क्राइजीन. बेटा जीन के नाम का जो सी है दैट वुड बी स्मॉल, ठीक है. क्राइजीन का सी स्मॉल है, मैं ऊपर लिखवाऊंगी या तुम कुछ और लिख लोगे. क्राइजीन होता है वो एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन बनाता है. प्रोटीन का नाम क्राइप्रोटीन. क्राइप्रोटीन का सी कैपिटल. छोटी छोटी बातें राइटिंग में बहुत मैटर करती है, ठीक है. तो क्राइप्रोटीन बनाती है. क्राइप्रोटीन एक्टिव बनता है बॉडी में या इनएक्टिव? इनएक्टिव. इनएक्टिव टॉक्सिन है ये, ठीक है. बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है. क्यों इनएक्टिव होता है? बिकॉज नो प्रॉपर पीएच. पीएच इसको चाहिए ना एक्टिवेट होने के लिए, वो है ही नहीं. इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इसलिए इनएक्टिव पड़ा, राइट. अब हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को निकाला, इसके अंदर से क्राइजिन निकाल लिया, और इसका क्राइजिन चक्के किसमें डाल दिया? कॉटन. कॉटन बॉलवर्म में नहीं हुए, कॉटन प्लांट में डाल दिया, उसके सीड में डाल दिया. और अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है मेरा, जिसके पास बैक्टीरिया का जीन है, अब इससे मैंने प्लांट ग्रो कराया, और इस प्लांट को मैं क्या नाम दे रही हूँ? बीटी कॉटन. कॉटन, हाँ, ऐसा वाला कॉटन का प्लांट जिसके ऊपर बैसिलस थुरिंजियनसिस के जीन है, ठीक है. सो दिस इज अ बीटी कॉटन, राइट. अब इसके ऊपर ऑब्वियसली बॉलवर्म लगेगा, उसकी नेचर है, रोटी खाने तो आएगा ही. वो बॉलवर्म ने इसको काटा, काटती गली सी, ये बस बॉलवर्म बैठा था, बड़ा करके बना रही हूँ यार, ये तो मैंने पिचकार से दिया पहले ही. बस बॉलवर्म था, बॉलवर्म के पेट में क्या चला गया? क्राइप्रोटीन. क्राइप्रोटीन, हाँ. अब इसका जो गट होता है ना, गट होता है इसका पीएच कैसा होता है? अल्कली. एल्कलाइन. एल्कलाइन में क्या हो जाता है? बीटी टॉक्सिन एक्टिव. एक्टिवेट, हाँ. और जब वो एक्टिव होता है तो वो क्या कर देता है? गट की वॉल को तबाह कर देता है, हाँ. ब्रेक गट, उसमें परफोरेशन करता है, छोटे छोटे छेद कर देता है. उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो बॉल बॉम है वो डेड हो जाएगा. तो कुछ बॉल बॉम मरेंगे ऐसी, बाकी बॉल बॉम का ध्यान जाता है
ये जितने भी बॉल बम आ रहे हैं मेरे परिवार वाले तो सब मर रहे हैं इस प्लांट को खाने से, यानी ये प्लांट हमें नहीं खाना है, ये प्लांट पॉइजनस है, तो फिर अब उस पर कीड़ा लगना बंद हो जाएगा। तो दिस इज अ बीटी कॉटन का केस, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है उस प्रोसेस का। अब वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बीटी स्टैंड फॉर वॉट, ठीक है, इस पे क्या प्रोसेस हुआ। जो बीटी टॉक्सिन है वो इनएक्टिव है, उसे एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है। वो क्यों बॉलवर्म के अंदर कुछ नुकसान नहीं, सॉरी वो क्यों बैक्टीरिया के अंदर कुछ नुकसान नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है। तो कोई भी क्वेश्चन इससे ड्राइव हो सकता है ना, अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो क्वेश्चन निकल जाएगा। तो बीटी कॉटन, इंसुलिन और आरएनए इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट आपको पूरे पढ़ के जाने, ठीक है। अगर इसकी पुरानी वीडियो भी निकालोगे ना, वन डे का लेक्चर था, तुम वो निकाल के फुल स्पीड में भी देखोगे ना, शायद डेढ़ लेक्चर था वो, और तुम्हारा आई थिंक 45 मिनट्स में कवर हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं है। अब जब आंसर लिखोगे कौन कौन से वर्ड्स का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करा दूं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहेंगे वही इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन को प्रोटॉक्सिन है, तो जहां पे तो इनएक्टिव प्रोटीन लिखेगा उसको प्रोटॉक्सिन लिख लेना और ऐसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एल्कलाइन पीएच में भी एक्टिवेट होता है, तो जब तुम आंसर लिख रहे होंगे ना थ्योरी का, जैसे तुम पैराग्राफ लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस पैराग्राफ में इन वर्ड को पेंसिल से अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो अंडरलाइन है ये इसका मतलब है अंडरलाइन विद पेंसिल, क्लियर। क्या करना है मैम, इधर लिखा होगा, यस यस, ये है हमारा क्राइ, दिस इज अ जीन। तो क्राई जीन, जीन का जो सी है दैट इज स्मॉल। क्राई प्रोटीन, प्रोटीन का जो सी है दैट वुड बी कैपिटल। राइटिंग में इन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज ऑल, एग्जांपल को अंडरलाइन कर दिया, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अंडरलाइन कर लिए वर्ड्स? यो मैम, ठीक है। नेक्स्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसका केस आता है हमारे पास मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया। मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया एक नेमेटोड है, नेमेटोड कहां से बिलोंग करता है, इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में किससे बिलोंग करते हैं फाइलम? मजा आ रहा है, कोई मेरे को उसका सही जवाब दे दे। प्लेटियरिंस। श्योर, प्लेटी के बाद एस के हेलमिंट ही बोलेगा, दो तो बने थे हेलमिंट। यस सर, हां समझ गई थी मैं, तो कच्चा है, खराब था तुक्का। देख जब आरएनए इंटरफेरेंस लिखेगा, पहले तो वहां पीछे जाओ जहां तुम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे थे, आरएनए आई स्टैंड्स फॉर आरएनए इंटरफेरेंस, लिखो उसको वहां पे। तुमको सिंपल बात रख दी है लेकिन पेपर में ध्यान नहीं आता, फिर दिक्कत होती है, तो ऊपर लिख लो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई, आई स्टैंड फॉर इंटरफेरेंस। जब ये आंसर लिखोगे तो मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया अंडरलाइन होना चाहिए, सेपरेटली, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसमें जो चीज आपको याद से रखनी है वो ये रहा, एग्रोबैक्टीरियम को एज ए वेक्टर यूज किया गया था, इसके अलावा आ गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज करते हैं हम प्लांट के अंदर, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो ही मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया के पेट में जाता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज अ मेन थिंग, इस पे पी वाई क्यू भी बनता है, इस पे भी पी वाई क्यू बनता है भाई, तो इस वाले पे तो बहुत सारे पी वाई क्यूज बनते हैं, ये आपको अंडरलाइन करके जाना होगा, नहीं प्रोसेस हो सकता, ठीक है। तो जैसे आपने बीटी कॉटन का किया उसी तरीके से इसको भी बनाना है, ओके। क्वेश्चन बताइए क्या बन सकता है इस पे, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एटलीस्ट 2.5 मार्क का तो बनना चाहिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो आंसर में सबसे पहले ऑब्वियसली आप इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, ये फुल फॉर्म इसकी ये होती है, उसके नीचे साथ ही आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, एक ही लाइन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब इसका प्रोसेस लिखोगे, तो एक लाइन छोड़ देना और उसके बाद इसका फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल भी आरएनए इंटरफेरेंस कहाँ होते देखा आपने, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे, जब भी फॉर एग्जाम्पल लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करोगे, तो टीचर को पता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हुई है, इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के आगे से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो केसेस है ना, जैसे बीटी कॉटन का था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ
एक्सप्लेन व्हाट इज बीटी कॉटन, ठीक है, एक्सप्लेन बीटी कॉटन आ गया, तो उसमें भी बीटी कॉटन की फुल फॉर्म आ गई, उसकी एक डेफिनेशन आ गई, इट्स ए प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना तो फॉर एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं, समझे, केस स्टडी में फॉर एग्जाम्पल्स वर्ड यूज होते हैं, तो इसको लिख ले, कॉमा लगा दी और उसी के आगे से आंसर स्टार्ट कर लिया और एक लाइन छोड़ दी, नीचे आते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी की उसकी बात कर रहा है, तो जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायग्रामेटिक क्वेश्चन बन सकता है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे बनेगा, नीचे आओ जरा अपना बैक साइड क्वेश्चन खोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 6, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ ह्यूमन जीन इनटू अ बैक्टीरियम लाइक ई कोलाई, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है ये फॉर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नहीं पढ़ा ना इस चैप्टर में, तो तुमको ये क्वेश्चन नहीं आ सकता बोर्ड में, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वो सेम आपसे पूछ सकता है इंसुलिन का, तो सेम फॉर्मेट में आपको इंसुलिन का केस आ सकता है, तो अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है तो क्या मुझे थ्योरी लिखनी है इसके अंदर? नो मैम, है ना, अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो मैं इंट्रोडक्टरी लाइन लिख सकती हूँ कि फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्टरी लाइन, कि नीचे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी, अब हम ऊपर आते हैं और इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझते हैं, अगर तुमको नहीं भी याद है तो तुमको शायद इतना याद होगा कि जो इंसुलिन का चेन बनती है वो इनएक्टिव बनती है, एक होती है ए, फिर एक होती है बी, नेक्स्ट चेन होती है सी, ऐसी बनती है, यो मैम, और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इनएक्टिव है, प्रो इंसुलिन बोलते हैं इसको, इनएक्टिव है, हमारी बॉडी में बना, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें से काट दिया जाता है, कौन सा पार्ट काटा जाता है, सी, ये सी है, और ए और बी, मैं यार ऐसे बना रही हूँ बराबर, ए और बी ऐसे रहते हैं हमारे, ए और बी, ये सी, क्योंकि सेकंड स्टेप एंजाइमेटिकली कट हुआ, फिर ए और बी के बीच में बन जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हो जाता है इंसुलिन, एक्टिव फॉर्म है उसकी, और इसको क्या करेंगे हम, इसको इट विल बी डिस्कार्डेड, ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप, क्लियर इतना, यो मैम, अब इसी डायग्राम में ये बात देखते हैं, यहाँ पे बनाया इसने कहा गया प्रो इंसुलिन में इसके पास है ए चेन, लेट्स से दिस इज अ बी चेन एंड दिस इज अ सी चेन एंड लेट्स से दिस इज अ बी चेन, बीच में आती है ना सी चेन, तो ये तीनों की पार्ट इसने लिख दिया इसके अंदर, है बहुत बढ़िया, ये प्रो इंसुलिन है इनएक्टिव, तो ये पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप में आप देख रहे हो सबको कट लग गया, ठीक है, थर्ड स्टेप इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप लिखोगे ये वाला जो पार्ट है दिस इज डिस्कार्डेड, और इसमें आप दिखाओगे कि ए और बी में बॉन्डिंग हो गई है, दिस इज एन इंसुलिन, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, तो मैं इसको ऐसे बनाती, समझ आई, इसे अपडेट कर लेना, इसका क्वेश्चन आ सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको इसमें थ्योरी लिखनी है तो आपको क्या वर्ड याद रखने हैं कि सी पेप्टाइड, ये सी चेन को हम दफा कर देते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, जो वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है कहीं आया कहाँ है, ये रहा डाइसल्फाइड ब्रिजेस, दो सल्फाइड है एक सिंगल सल्फाइड नहीं, और ये सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया था, एली लिली ने इन 1983, अमेरिकन कंपनी, ये कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, एंड एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे मैंने बोला ना, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, ये वाले बीटी कॉटन या आरएन इंटरफेरेंस या इंसुलिन, आपको इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं, आंसर इधर ही है एनसीईआरटी में, बस उसको पॉइंट्स में लिख के रख लेना अभी से, ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तुमने फटाफट रिवाइज कर लिया, यहाँ लिखा है चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग से बनाई थी, कंबाइन करके हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, ये आंसर एक्चुअली लिखा है कि बैक्टीरिया में अलग अलग इकोलाई में ए चेन बना लेते हैं, इकोलाई में बी चेन बनाते हैं, फिर हम दोनों ए और बी चेन को लेबोरेटरी में खुद से उसको कंबाइन करा के डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं, तो इंसुलिन फैक्ट्रीज में ऐसे बनाया जाता है, ए चेन अलग बी चेन अलग और फिर उसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट यहाँ लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ आया कैसे करना है, यस मैम, ऐसा तो नहीं है ऊपर से टाप रहा है, नो मैम,
रिवाइज नहीं करा तब भी इतना तो आई होप हो जाएगा। बातें जीन थेरेपी पे, बड़े जीन थेरेपी नहीं मान लेते हैं। चुन्नू मुन्नू बच्चे में एक सेल निकाला हमने इसका बाहर, ये इसका डीएनए था, इसके डीएनए में इस पोजीशन में ये जीन में लोचा है, ठीक है लोचा प्रॉब्लम है जीन में। जीन थेरेपी में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसके डीएनए में ये जो जीन था इसको दफा कर देंगे, जब बाहर निकलो भागो गेट आउट, और इसकी जगह करेक्ट वाला जीन डाल देंगे। तो हमने बाहर से करेक्ट वाला जीन डाल दिया, करेक्ट वाला जीन हमने लैब में बनाया, कैसे बनाया वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आता, पर जीन थेरेपी यही होती है। अब करेक्ट वाला जीन डालिए फिर क्या करूँ, इसको दोबारा से इसमें डाल दो रीइंसर्ट। तो जब जो जीन खराब था वो प्रोटीन नहीं बना रहा था, अब सही वाला जीन प्रोटीन बनाएगा तो बॉडी ठीक हो जाएगी। तो ये जीन थेरेपी होती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जीन थेरेपी पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर मैं बोलूँ इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है ये, जीन थेरेपी इज नथिंग बट आप खराब जीन को, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट जीन से रिप्लेस कर देते हो, दैट इज जीन थेरेपी। इसमें आपको क्या याद रहना चाहिए, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। तो बेटा यहाँ लिख लो ऊपर, ये एग्जाम्पल है नीचे एक्सप्लेन, कौन सा एग्जाम्पल है। फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी 1990s में 4 ईयर की लड़की को, और उसमें किसकी डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेस, ये वाला जीन वर्क नहीं कर रहा था, तो ये वाला एंजाइम नहीं बन रहा था, ठीक है। तो हमने जीन थेरेपी कर देके उसका ये ठीक करा दिया था। बीमारी का नाम क्या था, डिजीज वॉज सिवियर कंबाइंड इम्यून डिजीज। सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। ओके फुल फॉर्म गलत बोल दी, राइट। ऊपर लिखो एनसीईआरटी में, ऊपर जाओ दोबारा से, सिवियरली कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको लिख लेना। यहाँ पे शायद स्किट मेंशन नहीं है, पर लिख लेना तुम। मेंशन नहीं। अब अगर प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो तो कीवर्ड बता दूं, देखो ध्यान से देखना। एक तो यही हो गया एंजाइम का नाम, दूसरा सीडीएनए रेट्रोवायरल। देखो इंसानों के केस में जो वेक्टर यूज करते हैं ना हम, वेक्टर हम वायरल यूज करते हैं, वायरस को मॉडिफाई करके वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं हम, मतलब हमने वायरस भी नहीं छोड़ा। याद रखना एनिमल सेल के अंदर वायरसेस यूज होते हैं। बस ये था, ये 2 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यही प्रोसेस मैं किसी एम्ब्रियो के अंदर करूँ ना तो हमेशा के लिए सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर तो अभी सेल बन रही है ना, तो अगर उसके सेल को मैंने मॉडिफाई कर दिया तो बच्चा बिना बीमारी के फिर पैदा हो जाएगा, पर डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि बीमारी होगी उसको या नहीं। क्लियर, यो मैम। नीचे आते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। देखो इसमें 2 प्रोसेसेस है, एक है पीसीआर और एक है, ये देखो ये आया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है 1 मार्क में, पूछते हैं इसकी डेफिनेशन, फुल फॉर्म लिखो ऊपर, फुल फॉर्म सीधा 1 मार्क में सिर्फ फुल फॉर्म आती है कि इसको एक्सपेंड करो, तब आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखना है, डेफिनेशन भी नहीं लिखनी है। तो वहां लिखो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसको इम्यून इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनो कुछ भी वर्ड लिख दे जाते हैं, तो ये इम्यूनो है, बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ, लिखो इसे ऊपर। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे आता है, भगवान के लिए लिख लो यार, बैठे दूसरी लिख लो क्या जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसकी वजह से मैं बता सकती हूँ मेरी बॉडी में एंटीबॉडी स्पेसिफिक जनरेट हुई है या नहीं, पीसीआर की वजह से मैं सैंपल को, सैंपल का अमाउंट इंक्रीज करती हूँ, सैंपल अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड, और इसकी वजह से मैं एक्चुअल में डायग्नोस कर पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे लेट्स से मर्डर हो रखा था, वहां से मुझे थोड़ा सा ब्लड का सैंपल मिला, तो मुझे उसमें से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डीएनए मिला है, इतना सा, इतने से डीएनए में मैं टेस्टिंग करूंगी तो खराब ही हो जाएगा। तो पहले मैं पीसीआर करूंगी, इसका अमाउंट बढ़ा लूंगी, फिर उसके बाद मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके ऊपर करूंगी, जैसे एलाइजा हो गया, राइट। तो पीसीआर अमाउंट इंक्रीज करने के लिए होता है। पीसीआर तो हमने कल वाले चैप्टर में पूरा करा था ना, यो मैम फिर कवर हो जाता है। एलाइजा मैंने आपको क्लास में कराया था, आप अपने नोट रेफर कर सकते हो, वहां पे आपका कवर हो जाएगा। एलाइजा आराम से कर लिया था हमने। एलाइजा का जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है वो सामने ही है, तो मैं बता देती हूँ। एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कुछ नहीं करते हम लोग, पेट्री डिश ले लेते हैं और उसके ऊपर अपा क्या लगा देते हैं, एंटीजन। बहुत तरीके का एलाइजा होता है, मैं एक बता देती हूँ, जैसे मैंने एंटीजन लगा दिया एड्स। अब अगर मेरे को शक है कि इस बंदे में एड्स है, तो अगर इस बंदे को एड्स है तो इसके बॉडी में एड्स के खिलाफ एंटीबॉडी मिलेगी, यस मैम, तो मैं क्या करूंगी, इसका ब्लड सैंपल लूंगी और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, तो इसके ब्लड में एंटीबॉडी होगी, वो एंटीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी,
और फिर आगे का प्रोसेस करके मैं फाइनली पता लगा लूंगी, इसके आगे हम और इन्फ्लोरेसेंस डालते हैं, फिर पता चल जाता है हमें कि ये बॉन्ड बना है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का, अगर बना है तो इसको डिजीज है, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होती है एलाइजा में, तभी हमें पता चलता है कि कोई बीमारी है या नहीं, स्पेसिफिकली एड्स के लिए अच्छे से यूज होती है, ठीक है, समझ गई। अच्छा ये एलाइजा को ज्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि ज्यादा अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, ठीक है, फिर भी अगर चाहते हो तो यहाँ पर दे रखा है, इससे आप एक छोटा आंसर बना सकते हो। पीसीआर लेकिन बहुत बड़ा आंसर है, वो बन सकता है। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब बता बता, कुछ तो सुना ही होगा, एनिमल क्या होता है ट्रांसजेनिक? बोलो, इसको हिंदी में समझाइए, क्या बोला तूने? उनके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाती है, किसी एनिमल के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो छेड़छाड़ क्यों करते हैं अपा? अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, दैट्स करेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक नई मेडिसिन डिस्कवर करी है, तो ये मेडिसिन कैसी है? इट इज एंटी कैंसरस, एंटी कैंसरस दवाई ढूंढ ली हम लोगों को, ठीक है, ब्लड कैंसर के खिलाफ है। अब टेस्ट किस पे करूं मैं इसको? दिक्कत होगी, टेस्ट किस पे करूं यार मैं? तो हम क्या करेंगे, चूहे को पकड़ेंगे, पहले चूहे पे होती है फिर हम लोग मंकीज पे करते हैं, ठीक है, पहले चूहे को पकड़ेंगे और चूहे के डीएनए को मॉडिफाई करके इसको कैंसर करवाएंगे, तो इसको कैंसरस बना दिया हमने। अब इसे कैंसर हुआ ना, अब मैं इसके ऊपर ये दवाई ट्राई करूंगी, दवाई दे दी मैंने इसको, अब मैं इसे ऑब्जर्व करूंगी बैठ के कि दवाई देने के बाद इसका इलाज हुआ या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसकी बॉडी के वाइटल्स कैसे हुए थे बॉडी में और कहाँ कहाँ इफेक्ट आया था। तो मैंने क्या किया, वैक्सीन की सेफ्टी को जानने के लिए और इफेक्टिवनेस जानने के लिए पहले मैंने चूहे को बीमारी करी, ठीक है। तो जेनेटिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जेनेटिक लेवल पे हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ये बात इन्होंने यहाँ लिखी है, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, किसी का डीएनए मैनिपुलेट कर दो और हमारी मतलब का एक्सप्रेशन करा दो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसको हम मेडिसिन को स्टडी करने के लिए, किसी भी तरीके की चीज को स्टडी करने के लिए बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके नीचे इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, कॉमन रीजन, तो हम इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट समझने के लिए, ठीक है, कि मैं समझ रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक जीन है, ये वाला इधर, मुझे लगता है इसका इंपॉर्टेंट रोल है लंग डेवलपमेंट में, मैंने क्या करना है, चूहा बनाना है जिसमें जीन उड़ा देना, मैंने जीन ही उड़ा दिया वाला, ओके ठीक है। अब मैं उस चूहे को ऑब्जर्व करूंगी कि मैंने इसमें से जीन उड़ा दिया, ठीक है, इनएक्टिवेट कर दिया, जीन वहीं पड़ा रहेगा, इनएक्टिवेट हो गया। अब क्या इस रैट में छोटे बच्चे से होते बड़े तक, क्या इसके लंग की डेवलपमेंट नॉर्मल होती है या लंग की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है या बॉडी में और कहीं प्रॉब्लम आती है? तो मैंने ये पर्टिकुलर जीन स्टडी कर लिया एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए और इसके लिए मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था, बीमार एनिमल बनाया था, तो पहला यूज हो सकता है किसी भी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को स्टडी करने के लिए, समझ आई बात? यस। अबे स्टडी ऑफ डिजीज को समझा सकते, स्टडी ऑफ डिजीज कैसे करोगे? शक है मुझे, तुम्हें समझ आया? शक है मुझे, शक। इस डिजीज को स्टडी करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनेगा? कोई भी एग्जांपल चल सकता है, बताना जरा, इसको समझ आया? हर्ष तेरे को याद है वैसे तो, राजकुमारी? यो मैम, बता सकती है डिजीज को स्टडी करने के लिए कैसे यूज करेंगे हम? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करेंगे। कैसे? मेरे को कोविड स्टडी करना है, तो मैं क्या करूं फिर, एनिमल को कैसे यूज करूं?
एक्चुअली ना आपकी ना एप्लीकेशन पार्ट नहीं होता ना आपके स्कूल लेवल पे, इस वजह से ये वाला पॉइंट ना समझ नहीं आता जनरली बच्चों को. स्टडी ऑफ ए डिजीज. अगर कोविड है तो कोविड बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे डालता है वो बॉडी में? किसमें? लंग्स पे. हाँ, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा था. मैं कोविड को स्टडी करना चाहती हूँ, मैं क्या करूंगी, एक एनिमल लूंगी. अब मैं कोविड इसके ऊपर कैसे स्टडी करूंगी, जब इसको मामा चूहे के, हाँ इसको कोविड हो भाई, तो मैंने क्या किया, चूहे को पकड़ के उसको क्या करवा दिया, कोविड. हाँ. तो जब मैंने उसे कोविड करा दिया तो जेनेटिक उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया ना, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया. अब ये कोविड वाला चूहा है, ठीक है, दिस इज अ कोविड रेट. अब मैं डिजीज का इफेक्ट पढ़ लूंगी इसके ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नजर रखूंगी स्टार्टिंग से एंड तक, कि 10-10 दिनों में क्या फर्क आया है. समझ आई, इतनी सी बात होती है. एक और ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी के लिए मैं कैसे यूज करूंगी, सोच सकते हो. पैराग्राफ भी तुम्हारे सामने, एक बार रीड करके ट्राई तो करो. अरे इतना पास भी नहीं आना था, दिखना बंद हो जाए. वैक्सीन सेफ्टी तुम्हें क्या समझ आया, गिव इट अ ट्राई. बताओ जो समझ आया. बोल बोल बोल. मैम, जो साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाई होगी कोई भी, उसको सबसे पहले रैट में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हुए उस वैक्सीन से. तो मैं नॉर्मल रेट में डाल दूं इसको, वैक्सीन को? यो यो मैम, अगर मैं नॉर्मल रेट में वैक्सीन डाल रही हूँ रेट से एड्स के खिलाफ, मुझे कुछ पता चलेगा इससे? नहीं नो मैम, नो. ना, क्योंकि तो नॉर्मल है, तो पहले मुझे क्या कराना पड़ेगा, इट्स रेट है ना, उसमें वो वायरस डाल के देखेंगे उसको वैसा सा इन्फेक्शन हो, अब मैं वैक्सीन टेस्ट कर सकती हूँ, है ना. यस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रेट पे टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम मंकीज पे टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं क्लिनिकल ट्रायल. क्लिनिकल ट्रायल पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिसके ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, दुनिया की कोई दवाई नहीं जा रही, ठीक है, लेकिन वो भी तो ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है ना. अब ऐसी कोई वैक्सीन जो रिसर्च में चल रही है ना, जो मंकीज को भी मतलब हमने देकर देख लिया कितने साइड इफेक्ट है और कितना उससे फायदा है, अब हम वो पेशेंट जिसको कोई दवाई नहीं मिल रही उसको बोलते हैं डॉक्टर्स कि देर इज अ मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल पे है वो, मतलब कि अभी अप्रूव नहीं हुई है लेकिन आप उसको लेना चाहोगे, मे बी आपके केस में असर गिर जाए. तो फिर लोग अपनी मर्जी से उस दवाई को ट्राई करते हैं, कुछ नहीं भी करते, फिर वो ट्राई करेंगे, फिर ऐसे जितने लोग ट्राई करेंगे हम उसका डेटा लेते जाएंगे और एंड में देखेंगे अगर दवाई का प्रॉफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू लॉस, तो फिर हम उस दवाई को मार्केट में अप्रूव कर देंगे, और अगर प्रॉफिट कम होता है फिर वो दवाई आगे अप्रूव नहीं होती है. तो इस पूरे प्रोसेस में कम से कम लगभग 10 साल तो लगते हैं. लेकिन जब कोविड आया तो कोविड की दवाई तो फटाफट आ गई ना मार्केट में, तो क्यों आई, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल का टाइम ही नहीं था, तो कोविड की दवाई बनी और वैसे ही यूज होगी. इस वजह से कोविड की दवाई तो हम सबने ले ली, लेकिन हमें एक्चुअल साइड इफेक्ट अभी पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे और कोई तरीका भी नहीं था ना, लोगों को कोविड से बचाना था तो दवाई तो बन के बिक गई, सबको देनी ही पड़ी, सबको तो मिल भी गई, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये हमें पता चलेंगे आने वाले 10-15 सालों में, कि धीरे धीरे हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट रहा. समझ रही बात, यस मैम, यो मैम. हमें खुद भी नहीं पता क्या क्या हो सकता है और कोई ना कोई इफेक्ट तो रहता है. अब उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है ना, वो रिसर्च से ही पता चलेगा, तो 10-15 सालों के बाद ही पता चलेगा हमें एग्जैक्टली जब कोविड आया था उस टाइम पे हमने दवाइयां ली थी जो पूरी ट्रायल से नहीं गुजरी है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा. ऐसे बहुत ज्यादा होता है. तो वैक्सीन की सेफ्टी हम जनरली ऐसे चेक करके फिर रिलीज करते हैं मार्केट में. वैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं, इंसुलिन बनाना है तो हमने इसको इकोलाई को यूज किया. केमिकल सेफ्टी डालने का आपने सुना है?
एनिमल है ना, मैं प्लांट नहीं बनाना चाहूंगी इसमें। कभी डॉक्टर से कोई स्किन की दवाई ली है? यो मैम, कभी देखा, वो बहुत स्पेसिफिकली बताते हैं कितना अच्छा। चलो वो छोड़ो, तुम लोगों ने कभी सिरप पिया है? कफ सिरप है ना, वो यस मैम, यो मैम, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज करने के लिए बताई जाती है कि आपको ये बॉटल पीनी यस है, मैम, ये इतना ही यो स्पून मैम, लेना। ऐसा क्यों नहीं होता कि डॉक्टर बोल रहे इसको रोज ही पीना है? क्योंकि देर इज ए लिमिट। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन उस सिरप की आपकी बॉडी में अपनी लिमिट से ज्यादा होगी तो वो पॉइजनस हो सकती है। जैसे नमक होता है खाने में, खाने में नमक डालते हैं। अगर मैं खाने में मान लो 1 चम्मच नमक डालती हूँ रोज, 1 स्पून, तो खाना खाने लायक होता है। अगर मैं 3 स्पून डाल दूँ तो कैसा हो जाएगा खाना? नमकीन नमकीन, है ना। और अगर मैं यहाँ पर 10 स्पून डालूँ तो कैसा हो जाएगा? पॉइजनस, जहर हो जाएगा भाई, खाया नहीं जाएगा। तो कैसे पता चला मुझे कि 10 चम्मच डालने पर नमकीन मतलब पॉइजनस सा हो गया? जब मैंने 10 चम्मच डालकर उसको खा के देखा ना, तभी पता चला। तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी केमिकल के ऊपर लिखा हुआ देखते हो ना कि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा यूज करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है, तो वो सब कुछ एनिमल पे ट्राई होके आता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देती हूँ ये जो केमिकल है ये हमारी मेडिसिन है, पेशेंट को देनी है लिखो 2 ml सिर्फ, ठीक है। अगर मैंने पेशेंट को 1 से 5 ml दे दी तो ये पॉइजन का काम करेगी। फिर वो कैसे पता पॉइजन का काम करेगी? क्योंकि कभी किसी साइंटिस्ट ने इस केमिकल को लैब के एनिमल के ऊपर ट्राई किया, तो उसने चूहे को 1 ml भी दिया, बहुत सारी वैल्यूज दी होगी, 2 ml भी दिया, 3 ml भी दिया, 4 ml भी दिया, 5 ml भी दिया। तो जब उसने बहुत सारे चूहे को देके देखा तो उसे पता चला कि 5 ml पे मैक्सिमम चूहों की डेथ हो जाती है, दैट मीन्स ये पॉइजनस कॉन्सेंट्रेशन है। तो किसी भी चीज की केमिकल सेफ्टी जानने के लिए कि वो कब जहर बन जाता है और कब तक हम उसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो केमिकल सेफ्टी जानने के लिए तो एनिमल्स बहुत मारे जाते हैं कि अगर तुम जानना चाहते हो पॉइजनस कब है, दैट मीन्स कभी तो पॉइजन लेवल पे लेके जाओगे ना एनिमल की बॉडी में। तो केमिकल सेफ्टी में एनिमल सेक्रीफाइस बहुत होता है। समझ गई बात? क्या बोला मैंने? यो मैम, यस मैम, एक अलग ब्रांच होती है मेडिकल की, ये तो वहां पे इसी चीज को स्टडी किया जाता है, टॉक्सिसिटी। मैंने जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसी के हेड थे, टॉक्सिसिटी पूरा दिन ये करते थे। नीचे आओ नीचे आओ, ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन देख के जाओ, फुल फॉर्म लिख ले बेटा वहीं ऊपर भाग के। ये नीट में इसकी फुल फॉर्म आ चुकी है, PYQ है ये, 4 मार्क का, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर हमने अलाउड कर दिया ना लोगों के जीन के साथ छेड़छाड़ करने का, हरीत जैसे बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, इसने ये करना है, इसने किसी दिन सोना है और सुबह उठ के बोलेगा आज मैं ऐसा इंसान बनाऊंगा जिसके पर निकल आए और वो रात को उड़े, तो क्या करेगा? बैट के जेनेटिक मटेरियल को इंसान के जेनेटिक मटेरियल से फ्यूज करके बना देगा ऑर्गेनिज्म, एक आप बच्चे होंगे पर वाले। तो ये सब अलाउड नहीं है क्योंकि अपने पास सुपर हीरो नहीं है, बचाने के लिए सुपर हीरोइन नहीं है, राइट। तो ये डिसाइड करता है कि कैसे एक्सपेरिमेंट अलाउड है और कैसे एक्सपेरिमेंट अलाउड नहीं है। वो कमेटी है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो पहले आपका रिसर्च देखती है, फिर वो अप्रूव करते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो रूल सेट है, ऐसा नहीं आप एनिमल को पकड़ के टॉर्चर कर सकते हो, देर इज अ वे। आप उसको उठाते भी कैसे हो ना, वो भी डिसाइडेड है। आप ऐसे पूंछ से पकड़ के नहीं उठा सकते, आपको हाथों में जो रैट होता है उसको कैसे फंसाना होता है। अगर आपको उसको बेहोश करना है तो थोड़ा एनेस्थीसिया देते हैं, थोड़ा क्लोरोफॉर्म देते हो, तो स्टैंडर्ड सेट है। तो उसको कौन रेगुलेट करता है? GEAC। अगर GEAC ना हो तो तबाही बच जाए, लोग अपने क्लोन बनाने बैठ जाए। सो GEAC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, इंडिया में ये रेगुलेट करती है। अगर आ गया तो GEAC की फुल फॉर्म लिखोगे और ये करती क्या है, ये यही लिखा है, इसका वर्किंग भी यही लिखा है। इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, किसी को क्लिक कर लो, बहुत है, नीट के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। यो है मैम, यस मैम, कोई भी सोच रहा है ना साइंटिस्ट बनने कुछ भी करूंगा, ऐसे नहीं होता। ओके, उनको बताया नहीं मैम, फिर पता तो चल ही जाएगा ना, रिसर्च छुप नहीं सकती ना। रिसर्च पेपर जब तक आप अपने कुछ भी डिस्कवर कर लिए तो आप पब्लिश भी तो करोगे ना नो मैम, मैं तो अंडरग्राउंड ही रखूंगा। बेटा, जब तेरा दाना बाहर निकलेगा ना सबको पता चल ही जाएगा, हम तो तेरे पे शक करेंगे, पता होता है। वैसे अकेले नहीं कर सकते, आप लैब्स में काम करते हो तो नो, दे गेट टू नो, और उसके बाद लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं है लोग करते नहीं, करते हैं लोग फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एक बार एक ने किया था, एक उस
उससे उन्हें पता चला था कि डीएनए के अंदर एक जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स. अगर इस जीन में म्यूटेशन होते हैं तो लोगों के एड्स होता है. सो व्हाट ही डिड वाज, उस जीन को उन्होंने रिमूव कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसके बाद दो ट्विंस पैदा हुए थे. ठीक है, ये थिंक जापान की चाइना का केस है. दो बच्चे पैदा हुए थे जो कैंसर एड्स फ्री थे. एक्चुअली एड्स फ्री था, उनको वायरस इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर भी उनको एड्स नहीं हुआ. तो उनकी रिसर्च में भी सही हो, लेकिन आप ह्यूमन बेबी के जेनेटिक लेवल पे चेंज थोड़ी कर सकते हो. ऐसे ह्यूमन बेबी के जेनेटिक लेवल पे चेंज करने से कुछ भी हो सकता है, वो बच्चा कुछ भी पैदा हो सकता है. तो ये एथिकली इनकरेक्ट है. ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसे अलाउड नहीं है. उनका लाइसेंस कैंसर हो गया, उनको आई थिंक 2 साल की जेल भी हुई थी. एंड देन उनको उसके बाद जब अप्रूव हुआ दोबारा से रिसर्च, तो उनको उनकी फील्ड में रिसर्च करने से मना कर दिया था. एंडोक्राइनोलॉजी के थे वो साइंटिस्ट, उनको बैन हो गए, वो उसमें रिसर्च कर ही नहीं सकते हो. तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं चीजों के. बायोपायरेसी क्या होती है मैं बताती हूँ. बायोपायरेसी क्या होती है, हिंदुस्तान के साथ तो बहुत होती है. जैसे मान लो कोई आया था यहाँ पर हिमालय, हिमाचल घूमने, है ना, मस्त. अब हिमाचल के पहाड़ों में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो अभी तक अच्छे से इन्वेंट नहीं हुई. जैसे संजीवनी बूटी कह लो, हम पढ़ते हैं ना इतिहास में कि संजीवनी बूटी वाज द वन जो उसने क्योर किया था लक्ष्मण को, याद है? यो यो यस नो मेनी मेडिसिन. मान लो पहाड़ों में कोई हैकिंग है, ट्रैकिंग करने आया और यहाँ से कोई जड़ी बूटी उठा के ले गया, ठीक है, और लेके चला गया इंग्लैंड में, फॉर एग्जाम्पल. इंग्लैंड वाले बुरा ना माने, इंग्लैंड में लेके चला गया इस जड़ी बूटी से, भाई साहब ने मेडिसिन बना ली. अब पता चला कि यार ये मेडिसिन तो एड्स के खिलाफ है, एड्स क्योर करने की क्षमता रखती है, उसके लिए मतलब अच्छी है एड्स की ट्रीटमेंट के लिए, राइट. अब इसने क्या किया, ये मेडिसिन बनाई, ये मस्त मार्केट में बेच रहा है अपने नाम से, अपनी प्रोडक्शन से. लेके कहाँ से गया ये? हिमाचल, इंडिया, हमारे यहाँ से लेके गया ना, हिमाचल में इंडिया से. तो ये जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, इसने हमसे तो परमिशन ली नहीं हमारे प्रोडक्ट को यहाँ से लेके जाने के लिए, अपने नाम से कैसे बेच रहा है जब प्रोडक्ट तो यहाँ का था ना. तो इसके ऊपर सबसे पहले हक किसका था? हिमाचल की जनता पे, ठीक है, जो यहाँ के रहते उनके एरिया की है ना. सेकेंडली इंडिया का इसके ऊपर सबसे पहले तो हक बनता है, ये इंडियन है. तो अगर ये मेडिसिन सेल कर रहा है तो इसको कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंडिया को देना पड़ेगा, कि हमारे यहाँ से लेके गया भाई, प्रॉफिट तो देना पड़ेगा. और ये क्लेम नहीं कर सकता, ओरिजिन इसका इंडिया रहेगा, ये नहीं बोल सकता कि इंग्लैंड ओरिजिन है इसका, इंडियन ओरिजिन है इस प्लांट का, राइट. तो अगर कोई आए हमारे यहाँ से सामान उठा के ले जाए और अपने नाम से बेचने लग जाए, उसे कहते हैं बायो पायरेसी, लिविंग चीज का चोरी, पायरेसी चोरी. पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी होगी तुम लोगों ने पिक्चर, यो मैम, पायरेसी. तो बायो पायरेसी मतलब मेरे बायो रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज मेरे देश से लेके अपने देश में जाके अपने नाम से बेच रहे हैं, अपने देश के नाम से बेच रहे हैं. तो इंडिया के साथ बहुत होता है, हमारे बासमती उठा के ले जाते हैं, हमारी मेडिसिन उठा के ले जाते हैं, फिर हम उनपे केस करते हैं, ठीक है, फिर हम वापस भी छीन के लाते हैं, ऐसा नहीं है. बायो पायरेसी की डेफिनेशन आ सकती है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है, इसे टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है. बायो पायरेसी बायो पेटेंट से कंपेयर होकर आता है, वो भी आगे आएगा, ये ठीक है. तो बायो रिसोर्सेज कोई मल्टीनेशनल कंपनी लेगी, ऑर्गेनाइजेशन लेगी, हमसे कोई अथोराइजेशन करी नहीं, उसने पेपर वर्क करा नहीं, पर आगे जाके बेच रही है, प्रॉफिट कमा रही है, दैट इज नॉट अलाउड, इलीगल है, ठीक है जी, डन. यो यो मैम फॉर दिस चैप्टर यही था. अगर मैं क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन, पहला तो तुम्हारा हो ही गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका यह नोट प्रिपेयर कर लेना, ये तुम गूगल पे सीधा क्वेश्चन डालना, तुमको इसका बना बनाया अच्छा नोट मिल जाएगा. क्राय प्रोटीन का क्वेश्चन आपको बीटी कॉर्डन आप करोगे, जीन थेरेपी आप करोगे ही, मैंने बोले थे 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं. ये नहीं आता, गोल्डन राइस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको. ये नहीं आएगा, ठीक है, प्रिपेयर टिक कर ले बेटा, देन यो मैम 2 मिनट के लिए रुकना, भागने से पहले कौन सी ट्रेन पकड़ने जानी है, देखना.